अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे से वाइटी फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम वेलकम बैक टू नाज़िमास किचन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग सबको हैप्पी दिवाली। और ये मैंने बनाई है एक मज़ेदार रेसिपी, स्वीट की रेसिपी, जो कि आप लोग दिवाली में ज़रूर ये ट्राई करना और अपने सिबलिंग्स, फैमिलीज, फ्रेंड्स को सब कुछ बना के खिलाना। ज़रूर ये रेसिपी पसंद आएंगी। और ये रेसिपी में एक बड़ा सा सीक्रेट है, तो ये रेसिपी को देखने के लिए आपको फुल वॉच करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने सबसे पहले फ्लेम ऑन कर दिया है। फ्लेम को हम स्लो कर देंगे और फ्राई पैन गरम करने रख देंगे। जैसे फ्राई पैन गरम होता है तो हम स्लो फ्लेम पे ही पनीर को ऐड कर देंगे। सबसे पहले मैंने पनीर को एक बाउल में अच्छे से क्रम्बल कर लिया था। फिर पनीर क्रम्बल करने के बाद मैंने फ्राई पैन में ऐड कर दिया। फिर फ्राई पैन में ऐड होने के बाद पर हमने पनीर को ऐड कर लिया है फ्राई पैन में। और हम इसको स्लो फ्लेम पे हल्के हाथों से चलाते रहेंगे ताकि पनीर जल ना जाए। हमको एकदम ध्यान से पनीर को अच्छे से सॉफ्ट करना है स्लो फ्लेम पे ही। और इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप ऑफ अमूल फ्रेश क्रीम। आप लोग घर की मलाई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास मलाई नहीं थी तो मैंने अमूल फ्रेश क्रीम ऐड कर लिया। और इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर दिया। और तब तक पनीर सॉफ्ट नहीं होता, हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं पनीर सॉफ्ट होने आ गया है। फिर जैसे ही आपको मैंने स्टार्ट ऑफ द वीडियो में बताया था एक सीक्रेट रेसिपी है, तो वो सीक्रेट क्या है, किस चीज़ से बनी है ये रेसिपी, तो सबसे मेन सीक्रेट है जो कि मैं राज खोलने जा रही हूँ। यस, ये है रूह अफ़ज़ा। इसमें मैंने ऐड किया 1 कप ऑफ रूह अफ़ज़ा। कभी आप लोग ने रूह अफ़ज़ा के लड्डू ट्राई किए? आप लोग ने तो रूह अफ़ज़ा का शरबत ज़रूर पिया होगा, लेकिन रूह अफ़ज़ा के लड्डू ने किसी ने ट्राई नहीं किया। अगर आप लोग ने ये ट्राई नहीं किया है तो ज़रूर ट्राई करना ये रेसिपी। दिवाली को आप लोग सेलिब्रेट करना इस लड्डू के साथ, रूह अफ़ज़ा मलाई लड्डू के साथ बनाइए और खाइए और सबको खिलाइए और दिवाली अच्छी मनाइए। देखिए अभी मैंने इसको ठंडा करने रख दिया था, एक बाउल में मैंने रिमूव कर लिया और मैंने एक मिक्सचर के अंदर ग्राइंड कर लिया था। देखिए मैंने यहाँ पर ग्राइंड कर लिया और एक अच्छा सा डो फॉर्म प्रिपेयर कर लिया है, सॉफ्ट हो गया। और अभी हम इसका लड्डू बनाएंगे और गोल 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 लड्डू बनाएंगे। देखिए मैं कितना फास्ट फास्ट काम कर रही हूँ ना। नहीं नहीं जी, यहाँ पर मैंने स्पीड को थोड़ा बढ़ा दिया था। काश हम ऐसे रियल लाइफ में भी फास्ट काम कर सकते तो कितना अच्छा होता। और अगर आपने मेरी अम्मी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फैमिली एंड फ्रेंड्स को बताइए नाज़िमास किचन के बारे में। और यहाँ पर हम इसमें ऐड कर देंगे गार्निश के लिए पिस्ता शो। यस, हम पिस्ता ऐड कर लेंगे। एक बढ़िया सा पिंक कलर के ऊपर एक ग्रीन कलर का वाइब्रेंट कलर लुक आ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, यम्मी लग रहा है। और यहाँ पर जैसे एज़ यूजुअल मैंने एडिबल गोल्डन फॉइल ऐड कर लिया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप करके। बढ़िया सी रेसिपी रेडी हो गई है मेरी, आप लोग भी आ जाओ खाने के लिए। और मैंने इसका नाम रखा है रूह अफ़ज़ा मलाई लड्डू। तो ऐसे ही मैं मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ ज़रूर फिर मिलूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।